हाँ मिठाई बांटी जा रही हैं, पेठे बांटे जा रहे हैं। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आज संबोधन हुआ, इसमें यह बात की गई कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं। आपने एक ऐसा कविता लिखा है जहां आप धन्यवाद भी कर रहे हैं और पूरी व्यथा आप बता रहे हैं कि पूरे एक साल में आखिर हुआ क्या क्या। राकेश टिकैत जी को धन्यवाद कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं हमारे दर्शकों को भी बताइए। देखिए, देश का अन्नदाता, देश का मजदूर, देश का गरीब इनके शासनकाल को आते बहुत ज़्यादा दुखी था और वो कहीं ना कहीं अन्नदाता एक ऐसे इस संघर्ष को ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जो पूरे देश की लड़ाई थी, एक ऐसी सरकार के खिलाफ लड़ रहा था जो बड़े ही उम्मीदों के साथ इस सरकार को खुलते हम लोगों ने सरकार में सत्ता में बैठाया था और इसलिए हमें बहुत दर्द था, बड़ा आक्रोशित थे हम लोग और इनके जी इन्हीं के में विरोध में मैंने पहले पक्ष में लिखा था इनको, अब मुझे विरोध में लिखना पड़ रहा है एक साल से। जी जरूर जरूर सुनाइए। अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते, अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते, एक साल से झेल रहे ऐसे हालात नहीं होते। अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते, अरे आखिर तुमने गलती मानी, आखिर तुमने गलती मानी, गलत किए सब कामों की, आखिर तुमने गलती मानी, गलत किए सब कामों की। अन्नदाता की ताकत को जो पहले पहचान गए होते, एक साल से झेल रहे हम ऐसे हालात नहीं होते। अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते, एक साल से झेल रहे ऐसे हालात नहीं होते, ऐसे हालात नहीं होते। और मीडिया को भी जागना होगा, मीडिया को भी जागना होगा, सत्य देश को दिखाना होगा, सत्य देश को दिखाना होगा। सही रिपोर्टिंग करते अगर तुम, सही रिपोर्टिंग करते अगर तुम, ना आरोप लगे होते। अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते, अरे एक साल से झेल रहे ऐसे हालात नहीं होते। अरे धन्य हमारे सेनापति का लाल है वो इस मिट्टी का। होते नहीं राकेश टिकैत जेल में सड़ रहे होते। अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते, एक साल से झेल रहे ऐसे हालात नहीं होते। तो अब तो भाई आपने ये पूरी व्यथा सुना दी, अब तो कुछ धन्यवाद कर दीजिए। प्रधानमंत्री ने कानून वापस करने का ऐलान कर दिया है, आप पक्ष में क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहते हुए, इसी अंदाज में अगर कुछ कहना चाहें तो? देखिए, अगर यदि आप 100 गलती करके एक सही कदम उठा दें तो इतनी जल्दी धन्यवाद के पात्र नहीं हो जाते, और ऐसे बहुत सारी जो देश में तबाही मचाई है उसके लिए कब गलती मानेंगे, उन कदमों को कब पीछे लेंगे। मैं ये सख्त संदेश शब्दों में कह देना चाहता हूँ, इन्होंने जो ऐसे जो काम किए इनसे कतई उम्मीद नहीं थी पूरे देश को, आज पूरा देश इनके खिलाफ खड़ा हुआ है, सरकार डरी हुई है, डरी हुई सरकार ने बिलों को वापस लिया है। अगर हम यहाँ खड़े नहीं होते, अगर हमारे कमांडर राकेश टिकैत यहाँ नहीं होते तो हम जेल में होते, ये सरकार कहाँ झुकने वाली थी। इतने आरोप हमने झेले हैं सरकार के पीछे, इस सरकार को धन्यवाद दे दें, धन्यवाद देंगे जितने इन्होंने काम किए हैं उन सबको पीछे ले और गलती माने। जिस संसद में इन्होंने कानून बनाया वही ये गलती माने कि हमने गलत काम किया, हम गलत थे। देश का अन्नदाता, देश का मजदूर, देश का किसान, देश का नौकर, सब परेशान इन्होंने करके डाल दिया। लेकिन सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट जाए तो उसे तो माफ कर ही देते हैं ना। देखिए, अभी ये अधिकारी घर की बात है, घर की बात है, सरकार हमारी है। मान्यवर, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, मुंह से कह देना और लिखित में कानून बने हुए थे, उसी संसद सत्र में ही वापस होंगे, वहीं से लिखित में घोषणा होगी, तब माना जाएगा कि सरकार ने अपने कदमों को पीछे लिया है। मीडिया पे आपने आरोप लगाया, मीडिया पे आरोप लगाया, मीडिया तो आपको बहुत सपोर्ट की है, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया ने आपको बहुत सपोर्ट किया। मान्यवर, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ
मैं रोजाना न्यूज चैनल देखता हूँ, सिर्फ इसलिए देखता हूँ को कौन सा चैनल क्या दिखा रहा है। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, इस मीडिया ने हाय तो वह मचा के इतना बड़ा देश के अंदर वो बना दिया था कि जैसे कांग्रेस ने कितनी बड़ी तबाही मचाई हो, और आज बीजेपी ने देश के अंदर तबाही मचा दी। कोई भी ईमानदारी से अपने शब्दों को दिखाने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि फांसी लग जाती, संविधान को उसको अधिकार नहीं मिले थे। मीडिया चौथा स्तंभ होता है, अगर इन्होंने अपने अधिकारों का सही तरह से निर्वहन किया होता तो सरकार कब की झुक गई होती। ये शक्ति है मीडिया देश की। बस मैं आपका नाम सुरेंद्र पाल सिंह, जिला बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में हुड़तला गांव का निवासी हूं। मैं झुकने वालों में से नहीं, झुकाने वालों में से हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे व्यथा को, एक साल के पूरे दरमियान में जो कुछ भी हुई और आप किस प्रकार से अपने आक्रोश को व्यतीत कर रहे थे, साथ ही साथ आपने धन्यवाद करते हुए आपने यह बताया कि किस प्रकार से ये पूरा ये जो माहौल था पूरे एक साल तक चला। कैमरामैन सलीम के साथ मैं पुरुषोत्तम कुमार, GLCC न्यूज़ के लिए गाजीपुर बॉर्डर से।